निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच योगी सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने अपनी ही पार्टी बीजेपी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अपने खिलाफ गहरी साजिश का इशारा किया। प्रयागराज में सपा के पूर्व नेता रईस चंद्र शुक्ला की भाजपा में ज्वाइनिंग पर नंदगोपाल नंदी ने चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताई है। आरोप लगाया है कि कुछ लोग पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं। नंदी ने अपनी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय विधायक के रूप में उन्हें विश्वास में लेना तो दूर, बिना कोई सूचना दिए उनके खिलाफ सपा से चुनाव लड़ने वाले को पार्टी ज्वाइन करवाना गहरी साजिश है। इधर भाजपा ज्वाइन करने वाले सपा के पूर्व नेता एबीपी गंगा से बातचीत में उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को मेरे भाजपा ज्वाइन करने से जलन हो रही है। को ये बताया नहीं गया, नाराजगी की वजह केवल मतलब खुद की जलन हो सकती है और हमारा उनका कोई विरोध भी नहीं है। दरअसल शनिवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रईस चंद्र शुक्ला को बीजेपी में ज्वाइन करवा लिया था। जाहिर है कि नंदी की नाराजगी केशव प्रसाद मौर्य की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन इस पूरे प्रकरण को नंदी को जन्मदिन की बधाई देकर केशव प्रसाद मौर्य ने साफ करने की कोशिश की। आज हमारे श्री नंदगोपाल नंदी जी हमारी सरकार के कैबिनेट के सहयोगी मंत्री हैं, आज उनका जन्मदिन है, उनको मैं पूरी पार्टी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अब देखना होगा कि भाजपा नंदी की नाराजगी को दूर करने के लिए कौन सा कदम उठाती है। निकाय चुनाव में चुनाव प्रचार से पहले सीएम योगी ने काशी में बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया और भाजपा की जीत की कामना की है। चुनावी प्रचार में पहले सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन और बाबा का अभिषेक किया। मंत्री और विधायकों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। सीएम को गेट पर देखते ही लोगों ने हर हर महादेव का जयघोष किया। बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सीएम ने काल भैरव मंदिर में आरती की। काशी विश्वनाथ में नगर निकाय चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत मांगी तो काल भैरव से चुनावी बाधाओं को हर लेने की कामना की। दोनों जगह सीएम ने विधि विधान से पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद सीएम योगी मणिकर्णिका घाट स्थित सतुआ बाबा आश्रम पहुंचे, जहां सीएम योगी महामंडलेश्वर संतोष दास महाराज की माता जी की 13वीं में शामिल हुए। 24 अप्रैल को सीएम योगी अमरोहा के दौरे पर रहेंगे, जहां वह 5 नगरपालिका 4 नगर पंचायत के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील करेंगे। सीएम योगी के अमरोहा दौरे की तैयारी पूरी कर ली गई है। भारी सुरक्षा के बीच सीएम योगी डिडौली के जोई में जनसभा करेंगे। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उमेश पाल के परिवार से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहली बार प्रयागराज पहुंचे और उमेश पाल के परिवार से मिले। उनके साथ क्षेत्रीय विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह भी मौजूद रहे। केशव प्रसाद मौर्य ने उमेश पाल को श्रद्धांजलि दी और साथ ही परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उनको श्रद्धांजलि देना, परिवार के लोगों से बातचीत करना, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से कोई कमी न रहे या सरकार की ओर से कदम उठाए गए हैं और उनकी ओर से बस इतना ही अपेक्षा है कि उनकी हर प्रकार से सुरक्षा। पहले उमेश पाल हत्याकांड, फिर असद का एनकाउंटर और बाद में अतीक अहमद और अशरफ की कस्टडी में हत्या के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने सफाई देते हुए कहा कि आप उत्तर प्रदेश की पुलिस पर विश्वास रखिए और जो धमकी देगा उससे निपटने में आप ये समझ लीजिए कि हमारी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो सक्षम है। बता दें, राजू पाल की हत्या के गवाह उमेश पाल का 24 फरवरी को प्रयागराज में दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया था। साथ ही उमेश पाल के साथ दो पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।